आम्ही बजेटात प्रॉमिस केले, माझी स्कीमही तयार झाली. त्यांनी बजेटातली माझी स्कीम पहिल्यांदा सांगले, ऑलरेडी नोटिफाय जाऊन आयली सुद्धा स्कीम. फक्त इतके जातीची आम्ही त्याचे रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी सुरूही झाले आहे. कोणाक तीर्थयात्रेक वचून द्यायचं तोच आमच्यो कॉपी करता आणि सांगता, ताका सवय जाल्ली आसा. ही इज अ कॉपी मास्टर. म्हणून तुमकां म्हटलें, म्हाजें बजेटाचें बुकलेट काडून पळयात आनी स्किमूय ऑलरेडी नोटिफाय जाली ती पळोवन तो आतां एक एक आमी करतले मागीर सांगपा खातीर ना हांवें सांगलें म्हणून तेंच्यांनी केलें म्हणपाक. बजेटान हायलायटूय जाल्ली. बजेटान म्हाका दिसता तुज्या चॅनला वेल्यान काडून पळय, तेंच्यांनी प्रत्येक हे प्रत्येक गोश्ट घातलेली तितून. दिसता तो पेपरही काडून पळय. थँक्यू. आज मैं एक और गारंटी गोवा के अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को देने के लिए आया हूं. तो आज मैं गोवा में यह ऐलान करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे. अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे. जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे. जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे. और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे. इन चार स्थानों में से कोई भी एक स्थान गोवा का कोई भी व्यक्ति चूज कर सकता है, चाहे अयोध्या, चाहे शिरडी, चाहे वेलंकनी और चाहे अजमेर शरीफ. इन चारों में से जहां भी वो जाना चाहे वहां वो जा सकता है और उन सबको हम फ्री में तीर्थ यात्रा करवाएंगे. जैसे दिल्ली में देशाचो दिवो आयज लागलो आंगणात, सदा आसची खोशी तुमच्या मना काळजात. समस्त गोयकारांक दिवाळीची हुलहुलीत परबी.